हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ आज शाम से शुरुआत। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीनू और मीनू और व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। तो फ्रेंड्स, दिव्यांश डिमांड थी आज की, उसको खाना है भुट्टा। तो पापा गए थे आज मार्केट, और मार्केट से आने के बाद में जो हमारे गांव में है, मतलब गांव में तो इतनी सारी भुट्टे हो ही रहे हैं, तो फ्रेंड्स उसके लिए वो लेकर आए थे स्पेशल भुट्टा, क्योंकि उसने उस गया होगा घूमने पापा के साथ में, अपने नाना के साथ में। तो उसने बोला होगा कि नाना जी पेड़ पर लटक रहे होंगे वहाँ पर, तो बोला कि ये मुझे खाना है। तो फिर दूसरे दिन वो लेकर आए, तो आके बोले कि इसको ना इसको भून के खिला दे, क्योंकि ये मांग रहा था कल मेरे से, तो आज मैं लेकर आई। तो मैंने बोला भी था कि ये खाएगा नहीं, सिर्फ ये बोलता है, खाता कुछ भी नहीं है, इसको बस चाहिए, लेकिन जब जो चीज़ आ जाती है लेकिन उसके बाद में वो खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करता। तो फ्रेंड्स, मैंने फिर भी उसको छील के भून के दे दिया, और हुआ वही कि उसने दो चार दाने तो उसके खाए, लेकिन फिर उसने बिल्कुल भी नहीं खाया। तो फ्रेंड्स, मुझे लग रही थी गर्मी, तो मैं नहा के आ गई हूँ शाम को ही, तभी तो मम्मी की तबीयत थोड़ा सा डाउन थी। तो फिर मम्मी बोली कि, मम्मी तो बोल रही थी कि मैं ही बना दूँगी खाना, फिर मैंने बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं है, मैं बना देती हूँ। तो हमारी मतलब यही है कि मेरे को दो तीन रोटी मेरे को अपनी बनानी है, और दो रोटी मम्मी की, मतलब टोटल मिला के मुझे 8-7 रोटी बनानी है, तो बस बना देती हूँ मैं यहाँ पर फटाफट से रोटी। दिव्यांश आ गया है क्योंकि भोग लगाया था ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी का भोग दूध और बिठके से लगाया था आज, क्योंकि सब्जी जो मैंने बनाई थी उसमें आज डाल दी थी प्याज। तो प्याज की जब जिस दिन भी सब्जी बनती है, अगर हमें किसी दिन भी खानी होती है, तो उस दिन ठाकुर जी का भोग जो है वो लगाते नहीं है, फिर दूध वगैरह से या फिर ड्राई फ्रूट से कुछ भी एक्स्ट्रा अलग होता है उस चीज़ से उनका भोग लग जाता है, क्योंकि शाम को तो वैसे भी दूध का ही भोग लगता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर रोटियाँ बना दी हैं, और रोटी बना के मैंने रख दी थी, रोटी बना के मैंने अभी तो किसी ने भी नहीं खाया, क्योंकि भुट्टा मैंने भून के दिया था, मैंने दो भुट्टा भुने थे, दो में से दिव्यांश ने तो नहीं खाया, उसने दो चार दाने खाए थे, एक भुट्टा देखो ऑलरेडी वहाँ पर रखा हुआ है। तो बस मैंने ही, मैं भी ज़्यादा नहीं खाती, दो चार दाने मैंने खाए थे, क्योंकि मुझे ना क्यों नहीं अच्छा लगता, क्योंकि भुट्टा खाने से क्या है कि एक तो उसमें से जो ब्लैक ब्लैक वो उसको जल जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, होठों पे लग जाता है, दांतों में घुस जाता है, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए कम खाती हूँ। मुझे क्या अच्छा लगता है कि जो भुनी हुई बॉईल की हुई भुट्टा होते हैं ना, वो अच्छा लगता है, और एक वो अच्छा लगता है जो कि बाहर मार्केट में, जैसे कि आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो ज़्यादातर तो दिल्ली साइड में आप लोग देखेंगे कि वहाँ झिल्ली नाम से ना हाईवे पर इतने सारे बिकते हैं, जो बालू में भुने जाते हैं वो वाले भुट्टे, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक तो वो कच्चे होते हैं, और वो ना खाने में भी मीठे मीठे ऐसे टेस्टी लगते हैं, कभी कभी तो वो भी थोड़ा सा मीठे नहीं निकलते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो वो अच्छे ही निकलते हैं, तो वो तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन ये वाला जो भुट्टा है ये मैं बहुत ही कम खाती हूँ फ्रेंड्स, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चैनल पर कोई भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को ऐसे ही न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में, और मम्मी भी यहाँ पर आ गई हैं किचन में, तो मम्मी शायद बना रही हैं कुछ, और मैं यहाँ पर ना अपने लिए रुआबजा बना रही हूँ। तो सुबह का टाइम हो चुका है, आज का जो व्लॉग था मेरा वो हुआ था मेरा शाम से स्टार्टिंग, तो छत पे हम लोग गए थे सोने, और सुबह को फिर हम लोग जल्दी आ जाते, क्योंकि वहाँ ऊपर क्या है कि बंदरों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो उसकी वजह से हम लोगों को ना सुबह को जल्दी उठ के आना पड़ता है, नीचे आके फिर मैं सो जाती, लेकिन आज मैं नहीं सोई थी क्योंकि मुझे नींद नहीं आई थी। नींद क्यों नहीं आई थी, बस मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा सा मन नहीं लग रहा था, मतलब रात में भी मैं कई बार मेरी आंखें खुली थी तो फिर मुझे नींद नहीं आई, तो मैं फिर सोई ही नहीं, मुझे नींद नहीं आई। तो मैंने 4 बजे जब हम लोग ऊपर से नीचे, मम्मी पापा तो सोते ही नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं सोते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, फिर अपना घूमना, अपना पूजा वगैरह, नहाना धोना, और फिर मंदिर पर जाते हैं वो लोग पूजा करने, तो वो नहीं सोते, वो 4 बजे उठ जाते हैं, तो मैं भी नहीं सोई थी। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ना अपने लिए बना रही हूँ रुआबजा, क्योंकि मैं सुबह को चाय भी ना मैंने बंद कर दिया, मैं सुबह को क्या परमानेंटली मैंने चाय को बंद ही कर दिया है, ना तो मैं अब शाम को पीती ना मैं सुबह पीती, मैंने चाय पीती नहीं हूँ, मेरा बिल्कुल भी नहीं मन करता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना क्या करती हूँ कि या फिर ग्लूकोन डी है या फिर रुआबजा है वो पी लेती हूँ बना के। तो दिव्यांश के लिए मैं दूध बना के दे दिया है, उसके लिए अपना ड्राई फ्रूट्स वगैरह और बिस्किट वगैरह, उसको जो भी पसंद है वो उसके साथ में दे देती हूँ दूध, और अपने लिए मैंने रुआबजा बनाया था, मम्मी ने अपने लिए चाय बना ली थी।
तो उन्होंने पी ली है चाय। तो फ्रेंड्स आज मम्मी है, मम्मी को जाना है मार्केट क्योंकि उनको थोड़ा सा काम है। तो क्योंकि वह कुछ ना कुछ काम तो लगता ही रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो कोई भी काम होता है तो फिर जाना पड़ता है। मुझे भी थोड़ा सा अपने ना सामान मंगाना था, जैसे कि शैम्पू वगैरह, मेरा कंडीशनर वगैरह शैम्पू ख़त्म हो गया था, और मुझे मेहंदी मंगानी थी क्योंकि ना बालों में मेहंदी लगानी है। मैंने अपना प्लान बना रखा है कि 15 दिन में अब मेहंदी में लगाया करूँगी। मैंने ना सारी चीज़ें छोड़ दी थी क्योंकि माइंड इतना डिप्रेशन और इतना बेकार हो रखा था मेरा हर चीज़ से। तो फ्रेंड्स मैं अब क्या मैंने यही सोचा कि अब अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपनी सारी चीज़ों के लिए, जो भी मुझे अपना मानता है, जो भी मेरे लिए अपना है, उन सब के लिए हंसी खुशी में रहूँगी। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैं अब चाहती भी नहीं हूँ कि कोई भी दिक्कत हो या फिर मैं थोड़ा सा भी अपना मूड ऑफ़ करूँ। मूड ऑफ़ क्यों करूँ फ्रेंड्स? मूड ऑफ़ उसके लिए करना चाहिए जिसको आपकी कोई परवाह हो, आपकी कोई केयर हो। कुछ जब किसी को कोई मतलब ही नहीं है तो फिर फ्रेंड्स मैं अपनी लाइफ को क्यों बर्बाद करूं और किसके लिए करूं? इतना टाइम हो गया मुझे इतनी चीज़ों को करते करते कि अपनी लाइफ तक को मैंने जैसे कि बिल्कुल मेरी खो ही दिया था, जैसे कुछ हूँ ना हूँ एक जैसी हो गई थी। जैसा भी जो चल रहा है बस उसी में ही एडजस्ट करना सीख लिया था कि चलो कोई बात नहीं है, सभी की लाइफ ऐसी होती है, जैसे भी रहना है करना है हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन जब फ्रेंड्स मेरी ससुराल में मेरे हस्बैंड को, मेरी अदर जिसको भी है, मेरी सास हो ससुर हो ना, तो किसी को भी हूँ मैं, औरों से मुझे कोई परवाह नहीं है क्योंकि जब अपना ही नहीं अपना होता तो फिर बाहर वाले से क्या करना। तो जब फ्रेंड्स उन लोगों को कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो फ्रेंड्स मैं क्यों करूँ ये सारी चीज़ें? आप भी बताइए। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों की भी इतने सारे कमेंट्स पढ़े, सारी चीज़ें हैं, फिर मैंने भी अपना रियलाइज़ किया, काफ़ी सोचा, काफ़ी समझा, सारी चीज़ों के बाद मैंने अब सारी चीज़ों को छोड़ दिया है। अपनी लाइफ है और भगवान लाइफ जो है वो एक बार देता है, दो बार नहीं देता। तो जो भी मेरी बची खुची ज़िंदगी है इसको मैं अपने बच्चों के साथ में हंसी खुशी स्पेंड करूँगी। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने ना आज तोरे की चटनी बनाई थी और अभी दिव्यांश का हो गया है मॉर्निंग वाला टाइम, तो वो सो के उठ के आ गया है। पता है मुझे बहुत ज़्यादा रहता है, वो आके मेरे ऊपर ही चिल्लाता है। अगर मैं उसके पास में सोती हुई नहीं मिलती ना तो बस आके और रोने लग जाएगा और मेरे से बोलने लगेगा आप क्यों उठ के आई। तो आँखें खुलते ही वो झट से मेरे ऊपर आ जाता है। तो फ्रेंड्स वो आया था, फिर मैंने उसको समझाया, उसको थोड़ा सा रिलैक्स किया मैंने कि मैं बोली आज मैं ना जल्दी उठ गई थी, तो उसको मैंने फिर ये बोल दिया मैं जस्ट अभी उठ के आई थी। फिर उसको अपना नाश्ता वास्ता सारी चीज़ें करके उसको फ्री किया था। तो फ्रेंड्स अभी हो चुका है ये आफ्टरनून का टाइम, तो आज खुरती की फली बना रही हूँ मैं आलू मिला के। तो आज ना आज हमारी जो गाँव है, हमारे गाँव में कोई ख़त्म हो गया था तो फिर उनके घर खाना जाना है, तो इसलिए आज दोपहर में ही मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मम्मी अभी मार्केट से आई नहीं है। तो जब तक वो आएंगी तो मैं ना आटा वगैरह सब्जी वगैरह लगा के रख देती हूँ क्योंकि वो फिर उनके घर पे जाएंगी खाना लेके। तो अभी ना 2:30 बज रहा है दोपहर का, तो सब्जी तो मैंने सुबह को छील के रख दी, मतलब कल शाम को ही छील के रख दिया था खुरती की फली जो थी, और अभी मैं कर देती हूँ। तो जब मम्मी आ जाएंगी, क्योंकि मुझे अभी ना मेहंदी भी लगानी है अपने बालों पर, मम्मी का ही वेट कर रही थी कि मैं वो आ जाए तो मेरे सिर पर वही मेहंदी लगा दे, लेकिन फिर मुझे लगा कि मम्मी को काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर सूखने के लिए भी 2-3 घंटे चाहिए मेहंदी के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ना फिर अपने हाथों से खुद ही लगा लिया। खुद मैं इसलिए नहीं लगाना पसंद करती क्योंकि जो हाथ हैं वो इतने गंदे हो जाते हैं, रेड रेड कलर के नेल्स भी ना गंदे हो जाते हैं। फिर पर मैंने लगा ली, मैंने कि चलो वो साफ़ हो जाएगा, मैं कौन सा कहीं बाहर जाने वाली हूँ या फिर कुछ, मुझे मेहंदी भी नहीं अपने हाथों में कुछ लगाना करना कुछ नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने लगा लिया। तो फ्रेंड्स वो जो गोटी थी, क्या कहते हैं उसको, लूडो वो कर रहा था खेलने के लिए, लूडो खेल रहा था, तो उसकी गोटियाँ ना खो गई थी, नीचे गिर गई, पता नहीं कैसे करके इसको रख के गया होगा, वो निकल गई। तो बस उन्हीं को मैं उसके साथ में ढूंढ रही थी, मैं उसको बोल रही थी कि सारी ना गिन गिन के जो भी जिस कलर की हैं उनको देख के रख दो, क्योंकि ना मैं या दिव्यांश अपना दोपहर में जब भी टाइम मिलता है थोड़ा सा अपना खेल लेते हैं। तो फ्रेंड्स सब्जी तो बन चुकी है और मैंने कुकर में ना आलूओं को रख दिया है बॉयल होने के लिए। तो मम्मी आ गई थी, तो मम्मी बोल रही थी कि सब्जी नहीं ले जाएंगे, तो आलू बॉयल कर दो, आलू की बॉयल करके पता नहीं कुछ बनाएंगे उस